आज वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर मैं आपसे कहूं कि यूक्रेन भी रशिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता था, तब आप ये सोचोगे कि यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, वो कैसे रशिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है, राइट? यूक्रेन के पास भी एक टाइम पे न्यूक्लियर वेपन थे जब वो यूएसएसआर के पार्ट थे। यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस की ट्रीटी के साथ रशिया ने यूक्रेन के पास से आश्वासन दिया कि यूक्रेन के ऊपर वो कभी अटैक नहीं करेंगे। इसी के साथ ही रशिया ने ये ट्रीटी के तहत यूक्रेन के पास से 1700 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड को वापस ले लिया, ये सिक्योरिटी एश्योरेंस देके। अगर आज यूक्रेन के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स होते तो यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन रखने वाला देश बन जाता। आज दुनिया के केवल 9 देशों के पास ही न्यूक्लियर वेपन है। इससे ये पता चलता है कि न्यूक्लियर वेपन रखना एक देश के लिए कितना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। बनाने की शुरुआत साल 1939 में ही हो गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इसमें जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने पूरे यूरोप में आतंक मचा रखा हुआ था। एडोल्फ हिटलर लगातार यूरोप के बाकी देशों पर हमले कर रहा था। इस विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ जापान दे रहा था। जापान ने अमेरिका के बहुत सारे बंदरगाह पर बमबारी करके पूरी तरह से तहस नहस तबाह कर दिया था। वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को ये डर था कि अगर हिटलर के वैज्ञानिकों ने उनसे पहले परमाणु बम बना लिया तो वो दुश्मन देशों पर एटम बम गिरा के महामारी और तबाही पहुंचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अमरीकी वैज्ञानिकों ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि हिटलर के आतंक के चलते न्यूक्लियर बम बनाना कितना आवश्यक है और ये बनाया भी जा सकता है। 19th सेंचुरी से पहले तक इस तरह के वेपन्स को इमेजिनेशन ही समझा जाता था। जब दुनिया में पहला परीक्षण किया गया उस समय कई सारे देश इसे बनाने में लगे हुए थे। यही कारण है कि पृथ्वी पर आज हजारों की तादाद में परमाणु बम उपस्थित है। न्यूक्लियर बम का इन्वेंट अमरीकी मूल के एक वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इनकी देखरेख में पहला एटम बम की टेस्टिंग सोमवार को 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:30 बजे दुनिया का पहला परमाणु बम परीक्षण हुआ था और इसी के साथ ही परमाणु बम का आविष्कार हो चुका था। न्यूक्लियर बम के सफल परीक्षण के 22 दिन बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर एक हवाई जहाज से लिटिल बम नाम का एक परमाणु बम गिरा दिया था। इस बम से पूरे शहर और उसके आसपास का इलाका पूरा तबाह हो चुका था। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी को निशाना बनाया और उसके ऊपर फेटमैन नाम के एक परमाणु बम गिरा दिया। इसके साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया था जिससे भी काफी भयंकर तबाही मची और जापान के इस दोनों शहर में आज भी तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। ये जो आप मेरे फोन की स्क्रीन में देख रहे हैं वो टेम्परेचर है आज जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उस जगह का। जिस जगह पर परमाणु विस्फोट हुआ था उस जगह पर तकरीबन 3 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हुआ था और जमीन के नीचे भी उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस का था। इस टेम्परेचर पर आप स्टील को आसानी से पिघला जा सकता है। तो सोचिए उन जगह पर जिस जगह पर सिविलियन थे जापानीज उसका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन आज फिर भी अमेरिका पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स के बारे में सलाह देता रहता है और लेक्चर देता रहता है। रेडिएशन इतना खतरनाक था कि 1945 के एंड होने तक लोगों का मरना जारी था। इतने वर्ष गुजर जाने के बाद आज भी हिरोशिमा के लोग इस रेडिएशन का असर झेल रहे हैं। इस वजह से परमाणु बम को दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार कहा जाता है और लाखों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इस बम के गिरने से 1945 के अंत तक तकरीबन 1,40,000 से अधिक लोग हिरोशिमा में और 74,000 से अधिक लोग नागासाकी में मारे गए थे। आज विश्व के सभी देश अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई तरह के हथियारों को क्रिएट करते रहते हैं। हर देश खुद को शक्तिशाली बताने के लिए कई प्रकार के हाई एक्सप्लोसिव वाले वेपन को क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन अभी तक जिसे सबसे लेथल वेपन के रूप में जाना गया है वो है एटम बम। स्वीडन की एक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक तकरीबन 13,400 परमाणु बम
इन नौ देशों के पास थे, जिनमें से 3,720 न्यूक्लियर वेपन सेनाओं के पास एक्टिव है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1800 वेपन ऐसे हैं जो सदैव हाई अलर्ट पर रहते हैं। न्यूक्लियर वेपन के बारे में तो आप जान चुके हैं, लेकिन परमाणु हमला करना कोई साधारण काम नहीं या कोई साधारण बात नहीं। सबसे पहले आप ये जान लें कि यदि कोई देश किसी देश के ऊपर परमाणु हमला करना चाहता है तो उसे कई सारे प्रोसेस को पूरा करना होता है, तभी कोई देश किसी देश पर परमाणु बम से हमला कर सकता है। हमारे प्यारे भारत में परमाणु हमला करने का आखिरी फैसला देश के प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। यदि देश के प्रधानमंत्री हमला करने का आदेश देते हैं तो तभी भारत किसी देश पर परमाणु हमला का इस्तेमाल कर सकता है। ये प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को लीड करते हैं। प्रधानमंत्री के पास एक तरह का स्मार्ट कोड होता है जिसे परमाणु बम छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस स्मार्ट कोड के अलावा कई सारे सीक्रेट एक्शन भी लेने होते हैं। यदि आपके आसपास परमाणु हमला होता है तो आप कभी भी उसे अपनी आंखों से न देखें, इससे आपकी आंखों को खराब हो सकती है। परमाणु हमले के दौरान किसी भी मजबूत बिल्डिंग के बेसमेंट या बंकर में शेल्टर लें। परमाणु हमले होने की स्थिति में अपने आसपास रेडियो जरूर रखें, क्योंकि परमाणु हमले होने के पश्चात हालात सामान्य होने पर सबसे पहले रेडियो पर खबर दी जाती है। न्यूक्लियर हमले के वक्त यदि आप किसी सुरक्षित जगह पर हो तो तब तक आप बाहर ना निकले जब तक रेडिएशन का असर पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। रेडिएशन के असर से इफेक्टेड व्यक्ति को खून की उल्टी, चक्कर आना, सिरदर्द या बुखार होना, डायरिया न रुकना, कमजोरी होना, ऐसे सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। न्यूक्लियर बम के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। न्यूक्लियर बम का पहला फैक्ट ये है कि 1945 में जापान के रडार ऑपरेटर ने अमरीका के कुछ हवाई जहाज को आते हुए देखा था। उन्हें लगा कि इससे कोई खतरा नहीं हो सकता और उसने उसको नहीं रोका, लेकिन रियलिटी में उसी जहाज से हिरोशिमा पर और नागासाकी के ऊपर बाद में बम गिराए गए। बम का दूसरा फैक्ट ये है कि 1979 में यूएस स्टेट पेंसिल्वेनिया के 3 माइल आइसलैंड पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में दुर्घटना हुई थी। इस एक्सीडेंट में आसपास के 20 लाख निवासियों को कम जोखिम वाले रेडिएशन के संपर्क में लाया गया था। इसे साफ करने में 14 साल और $975 मिलियन का खर्च लगा था। बम का तीसरा फैक्ट ये है कि 1986 में चेर्नोबिल पावर प्लांट यूक्रेन में हुए विस्फोट में 30 वर्ष कर वर्कर की मौत हो गई थी और 30,000 से अधिक निवासियों को शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया गया था। इस एक्सीडेंट से जापान पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 100 गुना से अधिक रेडिएशन जारी किया गया था। न्यूक्लियर बम का चौथा फैक्ट ये है कि अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार रशिया के पास है, जिसे रशिया का जार बम कहा जाता है। ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली डिवाइस है। जार का परमाणु विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसे 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। पांचवा और आखिरी फैक्ट ये है कि जापान के सुतोमु यामागुची एक ऐसे शख्स के तौर पर दुनिया में फेमस थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में हुए दोनों परमाणु बम के हमलों से बचे गए थे। 2006 में यामागुची को पेट का कैंसर हो गया और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। 2009 में उन्होंने अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन के से मिलने की इच्छा जाहिर की। जेम्स कैमरॉन उन्हें हॉस्पिटल में मिलने पहुंचे। उन्होंने न्यूक्लियर अटैक पर मूवी बनाने की इच्छा जताई। उनसे मिलने के बाद यामागुची ने अपनी बेटी से कहा कि जेम्स ने पूरी बात सुन ली है, अब मेरा मिशन यहाँ पर ख़त्म हुआ। वो 93 साल तक जीवित रहे और 4 जनवरी 2010 को कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बस मेरा आज का न्यूक्लियर बम के इन्वेंट के बारे में आपको बताने का मिशन यही खत्म होता है। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।